हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों. सो अगेन आई एम हियर विद वन मोर वीडियो एंड दैट इज मैग्नेटिज्म 10th वीडियो. प्यारे बच्चों, ऑल बर्ड्स दे फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, बट ईगल अवॉइड्स द रेन बाय फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स. What does it mean? It means problem is common for everyone, but the attitude or perception is different. हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में problems आती हैं और सबके problems almost common ही होती हैं. लेकिन किसी का perception birds जैसा होता है कि shelter ढूंढना, और किसी का उन प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ जाना और वो प्रॉब्लम्स नीचे रह जाती और वही जीतते हैं. तो जब भी आपके ऊपर कोई कठिनाई आए, कोई प्रॉब्लम आए, उसको एक नए परसेप्शन से, नए एटीट्यूड से देखने की कोशिश कीजिए कि उसका क्या सलूशन होता है. उससे बचने की कोशिश मत कीजिए कि अरे ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी. नो, डोंट डू दैट. तभी आप दुनिया में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, ये मैंने पहले से लिखा है, देखिए, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि फर्स्ट चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. इसने, अब मैंने दो कंडक्टर ले लिए और इनको करंट देकर देखूंगा कि इनमें क्या होता है. ठीक है, आई एम गिविंग यू द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम बनाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे एज इट इज. ही देखिए, दिस इज फर्स्ट कंडक्टर, ऐसे करता हूँ, दिस इज फर्स्ट कंडक्टर ए एंड दिस इज सेकेंड कंडक्टर बी. करेक्ट, द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज आर. क्या सेपरेशन है बच्चों? आर. नाउ यहाँ पर करंट आ रही है आपकी आई ए एंड हियर करंट इज आई बी. इसको आई वन आई टू भी ले सकते हो. नाउ इफ यू आर टेकिंग ए वेरी स्मॉल सेक्शन एल हियर, सो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स हियर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन दिस. एक्चुअली यह हो क्या रहा है, पहले मैं लिख देता हूं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी वन या बी ए एंड दिस इज द फोर्स एफ बी ए. आपको भी ये क्या किया आपने, बताता हूं. देखिए, देयर आर टू कंडक्टर्स एंड दे आर कैरिंग करेंट. व्हेन दे आर कैरिंग करेंट, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स दिस इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर एंड फर्स्ट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर. एंड ऑलरेडी वी नो दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है वो भी करेगा इधर इस तरफ, और वो फोर्स होगा एफ ए बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी बी. तो मैं तो खैर इसको ले रहा हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बाद में अपने आप ही आ जाएगा. एंड सपोज दिस स्मॉल सेक्शन इज एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका ये है. मैंने क्या किया, आई ए करेंट दिया ए कंडक्टर में, सो ड्यू टू आई ए मैग्नेटिक फील्ड बी ए डेवलप. Due to this magnetic field, FBA force developed. Because due to magnetic field A, force developed in B, and due to magnetic field of B, force developed in A. So FBA means force on B due to A. Force on B due to A. तो चलते हैं. Consider हमारा प्यारा. Consider two infinitely long. Consider two infinitely long straight conductors
सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, सो वन मोर, एक्चुअली पिछले वीडियो में मुझे कमेंट आया था, कोई सीबी एक्सपर्ट है मिस्टर, कि सर वॉइस इज़ वेरी लेस, तो डू समथिंग फॉर द वॉइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस मेरे फ़ोन में तो मैक्सिमम ही आई है, इससे ज़्यादा वॉइस तो मेरे लिए क्रिएट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी आपके सामने एक बार और वॉइस देखो, मैक्सिमम करके देखता हूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम ही है, सो यू हैव टू यूज़ ईयरफोन्स, तो वॉइस आपको ज़्यादा मिलेगी। ओके, सो टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, इफ आई ए एंड आई बी बी द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में, ओके तो ठीक है, मैं आइए लेता हूं और शुरू करता हूं। लेट आई ए बी द करेंट flowing through conductor AB, नाम दे देता हूँ, AB नहीं देता है क्योंकि conductor PQ या A conductor, ठीक है, तो क्या होगा इससे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और यहाँ याद है ना फार्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, तो आई बी एल बी ए साइन थीटा, मैं ये लगाऊंगा फार्मूला तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेट आई ए बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ए, therefore magnetic field in PQ or A is, तो magnetic field का formula लगा दिया मैंने, B A equal to mu naught I A upon 2 pi R, है ना, क्योंकि इसके अंदर current कौन सी होगी, A वाली current है, right? अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके पास जाएगा प्यारे बच्चों, इसके पास, और ये करंट कैरिंग है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा, तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ, देखो ये भी जरूरत नहीं है, देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकेंड कंडक्टर, कौन सा सेकेंड कंडक्टर, आर एस या बी, ड्यू टू करेंट आई बी इज, अगर आपको इतना लिखना अच्छा नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घबराओ मत, आप सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड कंडक्टर लिख दो और फिर फार्मूला लिखो, क्या होता है फार्मूला, एफ इक्वल टू आई एल पी साइन थीटा, ओके अब इसको ठीक करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड में आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ बी ए, और जो बी पहले आएगा वही करंट भी यहाँ आएगी, एल का एल और मैग्नेटिक फील्ड ए का, ये देखो एंड साइन 90, वाई 90, अरे ये हमेशा 90 ही होता है भाई, ऑलवेज दे आर परपेंडिकुलर, ओके नाउ एफ बी ए इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर आई ए आई बी इंटू एल, ये मेरे पास क्या आ गया फोर्स, और फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बी ए अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन टू पाई आर, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकेंड कंडक्टर। वन मोर थिंग,
कई बच्चे कहते हैं सर हमारा तो ऊपर 2 आ रहा है। हाँ आएगा ना, अगर आप यह 4π करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। देखो म्यू नॉट 2IA IB अपॉन 4πr, ये क्यों किया मैंने, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के इज म्यू नॉट अपॉन 4π, तो मैंने इसको 4 कर दिया तो ये भी 2 हो गया, तो ये भी हो सकता है। बट समवन इज आस्क्ड इज दिस कंडक्टर ऑल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स, यस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी भी होगा। ये देखो आप, अगर मैं यहाँ ऐसा करूँ कि करेंट इन सेकेंड कंडक्टर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज बी बी एंड सो फोर्स इज एफ ए बी, एफ ए बी भी यही आने वाला है। सिमिलरली एफ ए बी अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2πr, बोथ फोर्सेज आर सेम, इक्वल आएगा प्यारे बच्चे। एंड इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा के आपको आगे बताता हूँ। इट मीन्स बोथ द फोर्सेज आर इक्वल, देयरफॉर एफ अपॉन एल इक्वल टू एफ ए बी अपॉन एल इक्वल टू एफ बी ए अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2πr, एंड फोर्सेज आर अट्रैक्टिव ए करेंट इज इन सेम डायरेक्शन, अगर करेंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन द टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, और इसमें याद रखना फोर्स निगेटिव आएगा। इन ए न्यूमेरिकल यू फाइंड दैट एफ इज निगेटिव, जब भी एफ निगेटिव आए समझ जाना अट्रैक्टिव है, एंड करेंट इन द सेम डायरेक्शन। And if current flows in opposite directions, then two conductors repel each other. Repel करेंगे प्यारे बच्चों, repel each other. Therefore forces are repulsive in nature, forces are repulsive in nature, और जो net force आएगा F net वो positive आएगा, यहाँ भी F net आएगा, क्योंकि दो force होंगे ना, तो add या subtract करेंगे तो पता लगेगा। देखो if current flows in opposite direction then two conductors repel each other, therefore forces are रिपल्सिव इन नेचर और एफ नेट पॉजिटिव आए, तो ये आप क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल है भी इवन करेंट फ्लोज थ्रू ए क्वाइल ए सोलेनाइड, तो उसमें चर चर की आवाज होती है, टर्न्स एक दूसरे से दूर जाते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि एक टर्न में क्लॉक वाइज जा रही है तो दूसरी में एंटी क्लॉक वाइज आ रही है उसी तरह, तो वो दूर जाते हैं। ओके ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बिकॉज दिस फार्मूला गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डेफिनेशन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ और डिफाइन विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, बट इन सीबीएसई दे आर आस्किंग डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, कैसे करेंगे ये आता एग्जाम में, डिफाइन 1 एम्पियर। सो एफ अपॉन एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट IA IB अपॉन 2πr। सो डिफाइन करना है तो किसी के इक्वल बताना पड़ेगा, तो फोर्स के इक्वल ही बता देते हैं। तो इफ IA IB इक्वल टू 1 एम्पियर मान लिया, r कितना है 1 मीटर, l भी कितना है 1 मीटर, सो एफ अपॉन 1 इक्वल टू म्यू नॉट
इंटू वन इंटू वन अपॉन टू पाई इंटू वन, और यू नॉट क्या होता है 4π × 10⁻⁷ अपॉन 2π, पाई 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 2 2 2, इट मीन्स फोर्स कितना आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इट मीन्स इफ 1 एम्पियर करेंट फ्लोस देन फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इतने फोर्स से दे विल अट्रैक्ट और रिपल, तो आप डिफाइन कर देते हैं। देखिए मैं लिखूं, ये लिखो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करेंट फ्लोइंग थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर by a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतनी बढ़िया डेफिनेशन लिया है। फिर से देखो, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करेंट फ्लोइंग थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस या 1 मीटर अपार्ट, अट्रैक्ट और रिपल, अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर। ओके, तो याद रखिए अब आप, इवन टू कंडक्टर्स आर देयर, दे आर कैरिंग करेंट, आइदर दे अट्रैक्ट और रिपल। इफ करेंट इज द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन रिपल। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ऐसा होता है बिल्कुल। अब इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। तो मैं अच्छा वाला न्यूमेरिकल करवाता हूँ, तो जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो डायग्राम बना रहा हूँ, आई टेक योर, थोड़ा सा टाइम दूंगा, और एक इजी वाला भी करा दूंगा। तो देखिए देश यहाँ बना देता हूँ, फिर समझा भी दूंगा। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर करेंट, ओके, दिस इज 10 सेंटीमीटर and here 25 centimeter, current है 15 ampere and name है A B C D, ठीक है। और दूर हो जाता हूँ, सब प्रकार ये बना लो। Now इसके पास में स्ट्रेट कंडक्टर इंफानेटली लॉन्ग एक्स वाई एंड इट इज कैरिंग करेंट 25 एम्पियर एंड डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, ओके। एंड व्हाट इज दी, निकालना क्या है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, व्हाट इज दी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स acting on the loop, correct बच्चों? तो क्वेश्चन फिर से देखें, आप सुन ले एक बार, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ठीक कर लो, ओके। दिस इज ए रेक्टेंगुलर करेंट कैरिंग लूप ए बी सी डी, दिस इज करेंट डायरेक्शन दैट इज क्लॉकवाइज and this is infinitely long straight current carrying conductor, both are parallel to each other and we have to find the force acting on the loop. Why force acting on the loop? Because they are parallel. So look here, 4 conductors, 1 2 3 4, this conductor AB and this conductor CD, both they have the same length, same current, but in opposite direction. It means their
फोर्स बिकम्स जीरो, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इससे सेम है. ओके, तो इससे नेट फोर्स नहीं लगेगा. नेट फोर्स इज ओनली ड्यू टू दिस वन एंड दिस वन. दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर प्लस 12, यानी 12 हो गया. यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया देखो, ये 10 + 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ओके, सो सॉल्यूशन देखिए अब आप. सो नेट फोर्स ड्यू टू एफ ए बी एंड एफ सी डी इज जीरो बिकॉज एफ ए बी प्लस एफ सी डी इज जीरो, बोथ आर इक्वल एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट इज डिफरेंट. क्यों है ये? बिकॉज दे आर निगेटिव. एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ सी डी, याद रखिएगा. ओके, सो फर्स्ट आई एम फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स ड्यू टू बी सी, इसके और इसके बीच में. ओके, सो वॉट इज द फार्मूला? आवर फार्मूला इज एफ बी सी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी, आई वन आई टू कर लेता हूँ पहले, आई वन आई टू अपॉन 2πr. ओके, और डिस्टेंस को इसको आर वन मान लेता हूँ, इसको आर टू, या आर ही ले लेता हूँ. सो म्यू नॉट इज 4π इंटू 10⁻⁷. अच्छा, एल भी है इंटू एल, लेंथ भी लेनी पड़ेगी, करेक्ट. सो आई वन इसको मान लेता हूँ मैं 15, एंड आई टू इज 25, और लेंथ कितना है मेरा, ये 25, बट इट इज इन सेंटीमीटर. तो 25 इंटू 10⁻² अपॉन 2π, एंड आर इज द डिस्टेंस, 2 × 10⁻². ओके, सो यू ऑल आर द मैथमेटिक्स जीनियस, और मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं आंसर देख कर बता देता हूँ आपको क्या आएगा. 9.375 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन. अभी किधर लगेगा प्यारे बच्चों, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपल? तो देखो, इसमें करंट नीचे और इसमें ऊपर है, अपोजिट, इट मीन्स दे रिपेल, यानी अवे फ्रॉम लगेगा, अवे फ्रॉम एक्स वाई. क्या हुआ ये? रिपल्सिव, यानी अवे फ्रॉम एक्स वाई. या मैंने जल्दी जल्दी किया, आपको समझ में आया? आई वन आई टू तो समझ में आ ही गया होगा, आप थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है, एवरीथिंग यू नो. नाउ फोर्स निकालूंगा किस पे? अब डी ए पे, एफ डी ए. तो एफ डी ए इज ऑल्सो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πr इंटू, इसको आर वन मान लेता हूँ, इसको आर टू. तो डी ए की लेंथ लेनी पड़ेगी, एल डी ए, है ना. सो म्यू नॉट इज अगेन 4π इंटू 10⁻⁷. देखो आई वन इज, इसमें भी आई वन वही है 15, एंड आई टू इज 25, एंड लेंथ ऑफ डी ए सेम है भाई, 25 इंटू 10⁻² अपॉन 2π, एंड आर टू, आर टू मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज माई आर वन एंड दिस इज माई आर टू. ये कितना सेपरेशन हुआ? 2 + 10 = 12, 12 इंटू 10⁻². माइनस टू से क्यों कर रहा हूँ बताओ? अरे पता है तुमको यार, अरे मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ यार. तो इसका आंसर मेरा आएगा, कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ. 1.5625 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन. अब ये कैसा होगा? नाउ हियर एंड हियर करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो ये अट्रैक्टिव होगा, यानी टूवर्ड्स एक्स वाई, अट्रैक्टिव टूवर्ड्स एक्स वाई. ओके, सो लुक हियर, अब
You have two force. First is on BC, which is repulsive, and second is on DA, which is attractive. मतलब ये दूर जा रहा है तो कह रहा है, और ये कह रहा है मैं पास में चिपकूंगा. पर अब ये देखना है कि ये चिपकेंगे या दूर जाएंगे. Attractive और repulsive. That depends upon the net force. Now which force is more, this or this? This why? अरे ये पास में है ना. देखो F का फार्मूले में R नीचे आता है, inversely proportional R है. If distance is less, force is more. सीधी बात है यार, आग क्या पास में हो तो ज्यादा आग लगेगी, दूर रहोगे तो कम लगेगी. तो ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा, तो दोनों को माइनस करते हैं, तो नेट फोर्स निकालते हैं. मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड. देयरफॉर नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2. हो गया F1 कहाँ है सर, सॉरी यार, FBC माइनस एफ डी ए. ओके, दोनों की वैल्यू रख देता हूँ. 9.375 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 1.5625 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, माइनस कर दिया तो ये आया है 7.8175 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन. ये आ रहा है. अब ये बताइए, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. नाउ दे हैव, दे वांट डायरेक्शन आल्सो. तो डायरेक्शन क्या होगी, विच इज मोर, दिस फोर्स इज मोर एंड दिस इज लेस. यानी अट रिपल्सिव जीत गया, यानी फोर्स रिपल्सिव होगा. रिपल्सिव मतलब अवे फ्रॉम एक्स वाई. तो हम लिखेंगे रिपल्सिव and away from x y. एक और तरीका था repulsive ढूंढने का, आपको याद आया क्या, मैंने बताया भी था कि repulsive का एक तरीका होता है कि net force is positive तो repulsive, ये देखो, और ये negative आता तो तब आपका ये attractive होता. तो आप चाहे f1 minus f2 करो या f2 minus f1, आपको पता लग ही जाएगा कि रिपल्सिव आना है या अट्रैक्टिव. ओके, तो पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जो पास में है वो बड़ा होगा और जो दूर है वो छोटा होगा. तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस न्यूमेरिकल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें. पहले से सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. शेयर करें अपने दोस्तों को दूसरे स्कूल्स के. और मैं आपके लिए और नए वीडियोस बनाऊंगा. अभी आई एम गोइंग टू गिव यू न्यूमेरिकल्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑल्सो ऑन द नीट एंड शॉर्ट एंसर्स एंड वेरी शॉर्ट एंसर्स. सो प्यारे बच्चों, खुश रहो, आनंद से बढ़िया, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, माता पिता की सेवा करो, उनसे प्यार लो, प्यार दो, दादा दादी की सेवा करो, प्यार लो, प्यार दो, सबको, अपनी बहन को भी अपनी सुरक्षा में रखो. सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.